क्या होता है, जैसे स्टेम हो गया,
सीड्स हो गए, ये सारे क्या पार्ट, ये सारे प्लांट के पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडिबल पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कौन सा पार्ट, कौन सा स्टेम है ऐसा जिसको हम लोग खाना के रूप में, जिसको हम लोग ग्रो फूड में भी खाते हैं, ठीक है। तो स्टेम जो हमें स्टेम से प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे, फूड फ्रॉम स्टेम, ठीक है। तो फूड फ्रॉम स्टेम लाइक क्या हो गया, इसमें एग्जांपल में आते जैसे अनियन, पटेटो, जिंजर, गार्लिक एक्सेट्रा, ठीक है। अनियन मतलब आपको पता है प्याज, पटेटो मीन्स आलू, जिंजर मीन्स अदरक, गार्लिक मीन्स क्या है, लहसुन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता है कि ये जो पार्ट्स होते हैं ना, ये आपको मिट्टी के नीचे, सॉइल के नीचे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। बट ये रूट्स नहीं होते, जैसे कि हमें पता है कि जो मिट्टी के नीचे, जो सॉइल के नीचे जो पार्ट्स होते हैं उसको रूट कहते हैं, सॉइल के अबव द सॉइल जो पार्ट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। बट दीज पार्ट्स आर नोन एज स्टेम, पता है क्यों, क्योंकि ये पार्ट्स जो होते हैं वो मिट्टी के नीचे भले ही होते हैं बट इसमें रूट हेयर्स नहीं होते, दैट्स व्हाई दीज टाइप ऑफ वेजिटेबल्स आर कॉल्ड एज स्टेम, ओके। तो ये स्टेम वाले पार्ट हो गए, इसके बाद क्या है, फूड फ्रॉम रूट्स। अब जो पार्ट, जो एडिबल पार्ट होता है प्लांट का रूट्स का, वो कौन कौन सा होता है, जैसे कैरेट हो गया, कैरेट के बाद करनी, इसके बाद हो गया आपका रेडिश, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये पार्ट्स जो होते हैं वो मिट्टी के नीचे ही होते हैं और ये रूट्स होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी के नीचे होते हैं, ये रूट्स होते हैं जिसको हम लोग खाने के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, फूड फ्रॉम लीव्स, कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जिसको हम लोग लीव्स को कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, जैसे स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, के बाद बेसिल हो गया, बेसिल मींस तुलसी पत्ता, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं जिसके लीव्स को हम कंज्यूम करते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है, कि प्लांट के लीव्स को हम कंज्यूम करें, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फूड फ्रॉम सीड्स, कुछ ऐसे प्लांट के भी पार्ट्स होते हैं जिसको सीड्स, जो कि सीड है और सीड को हम कंज्यूम करते हैं फूड के रूप में। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया पल्सेस, जितने भी होते हैं जैसे ग्रीन या किडनी बीन्स, ये सारे क्या होते हैं, सीड्स होते हैं जिसको हम लोग फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, फूड फ्रॉम फ्रूट्स,
लेमन, चिली, ये सारे वेजिटेबल्स हो गए। फिर इसके सीरियल्स मिलती जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये क्या होते हैं सीरियल्स में आते हैं। फिर पल्सेस के मतलब क्या होते हैं, जो दाल होता है, ठीक है, मूंग दाल, अरहर दाल, ये जो होते हैं वो पल्सेस में आते हैं, वो प्लांट से ही हमें ऑब्टेन होता है। इसके बाद जो ऑयल है, ऑयल भी जो हम खाना पकाते हैं तो वो भी क्या होता है, वो भी हमें प्लांट से ही ऑब्टेन होता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, तो ये भी जो हमें ऑब्टेन होता है वो कहाँ से होता है, वो प्लांट से। दैट मीन्स ये कि प्लांट में ही प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम लोग फूड के रूप में कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट विथ शुगर, स्पाइसेस, ये सारे जो है वो आपके प्लांट से ही है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से जो हमें फूड ऑब्टेन होता है, अब उसकी बात करना है, ओके। खत्म करती हूँ। नेक्स्ट सेशन जो है वो आपका कल होगा, और